विकास नगर खेमानी परिसर में सार्वजनिक जगह पर लघुशंका करने पर 29 वर्षीय युवक चाकू घोंपकर हत्या। दिन दहाड़े बीच सड़क हुई हत्या से पूरे परिसर में फैली सनसनी। उल्लासनगर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। उल्लासनगर खेमानी परिसर में चाइनीज खाने के लिए घर से निकला 29 वर्षीय युवक चंद्रकांत मोरे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उल्लासनगर कंप नंबर 2 के खेमानी परिसर के एक वही एस हाई स्कूल के पास चंद्रकांत मोरे या अपने परिवार के साथ रहते थे। बीती रात वह चाइनीज खाने के लिए घर से बाहर गए थे, तभी उसका सार्वजनिक जगह पर पेशाब करने को लेकर कुछ अज्ञात लोगों से वाद विवाद हो गया। इसी विवाद से गुस्साए 3 लोगों ने उल्लास नगर के खेमानी के बीच सड़क पर दिन दहाड़े चंद्रकांत पर धारदार हथियार से हमला करके फरार हो गए। खून से लथपथ पड़े चंद्रकांत को स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत देखकर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया जिसे मुंबई के अस्पताल में ले जाओ। इसी दरमियान इलाज करते समय ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में उल्लासनगर पुलिस हत्या का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच में जुटी हुई है। कल शाम को मच्छी मार्केट में चंदू देवा मोरे और सुनील प्रजापति, नितिन चौधरी और रवि जायसवाल, इनका झगड़ा हो गया था। जो मच्छी मार्केट में उनका झगड़ा होने के बाद इधर ये एस सी एस स्कूल के सामने खेमानी की तरफ आए थे। खेमानी की तरफ आए तो फिर ये जो चंदू खड़ा था उन लोगों के बीच में, तो उधर से एक चाकू, ये सुनील प्रजापति चाकू लेके आया, उसने उसके पेट में मार दिया। तो फिर जोर से चंदू मोरे उसके घर की तरफ भागा, रास्ते में गिर गया वो। तो उसको ये विकी सरदार और उसके दोस्तों ने, पिताजी ने मिलकर सेंट्रल अस्पताल में लेके गए। फिर सेंट्रल अस्पताल में लेके जाने के बाद उसकी तबीयत सीरियस होने की हुई थी, इसलिए उसको कलवा में भेज दिया। आज सुबह 5:45 बजे वो उसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ होने के बाद उसके जो चचेरा भाई है उसकी कंप्लेंट लेके हमने उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में गुनारिशा नंबर 2/18 IPC 302/504 से गुना दाखिल किया है। ये आरोपी से रवि आरोपी को कब्जे में लिया है, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी 2 आरोपी ये जा रहे हैं, उसको ढूंढ रहे। किस वजह से झगड़ा हुआ था? झगड़ा तो कुछ नहीं, नितिन एक पेशाब कर रहा था गली में, उसकी वजह से झगड़ा हुआ था, ये तो मामूली बात थी। चंदू बोले बेचारा इधर से आया था, इधर कुछ मैटर हुआ पेशाब के बारे में, उसके बाद में सामने इधर से आया खेमानी से मुड़ के, मालूम किधर से चापर डंडा सब आगे, और मैं और चंदू खड़ा था। चंदू को बचाने के चक्कर में मेरे को भी लगा चंदू तो भागा, मैं इधर ही खड़ा था, मैं सब लोग भाग गए मगर मैं इधर खड़ा था। मैं अकेला इसको चंदू को बचाने के चक्कर में, भाई मैं खुद का जान तो बचाऊं, वो तो भागा गरीब मानना नहीं, वो गरीब मरा क्यों फालतू में, इसका मैटर ही नहीं है कुछ। किसने मारा? हाँ कोई था ही नहीं ना, 3 आदमी नए चेहरे, और हमको मालूम ही नहीं 3 नए आदमी चेहरे कैसे कौन थे भाई, किसके आदमी थे हमको नहीं मालूम। क्या उनके पास कौन से हथियार थे? हथियार मैं देखा था, तलवार चाकू सब थे, तलवार चाकू डंडा फावड़े का, फावड़े का और दूसरा नाम कौन था? हाँ भाई मैं क्या, उसको किस चीज़ से मारा है? चाकू से, चाकू जो था चापर था, चापर किधर मारा? हाँ इधर ही है, नहीं नहीं उसको किधर मारा? इधर इधर डाले लेफ्ट साइड में। कितने जन थे बोले? ये लोग पे भी चले थे, मगर 3 आदमी आगे आए थे जो मार के निकल गए। सबके हाथ में हथियार था, डंडा फंडा सब, मगर अभी कौन थे हमको नहीं मालूम। 20 लोग आए थे, 6:38 को हुआ, 6:38 को पूरा शाम को 6:38 को हुआ। एरिया का नाम क्या बोल रहा हूँ? काड़ा हाल बस।